नाच नाच मेरी रानी। बैठ जाइए बैठ जाइए भैया बैठ जाइए। दाना सुनने का मूड किया मां, हम दाना सुनेंगे। अब हम बनाएंगे मक्के की रोटी और मम्मी आटा छान रहे हैं, मैं रोटी बनाऊंगी क्योंकि अभी हमने सोचा कि आग अच्छी चल रही है तो क्यों ना रोटी बनाई जाए। वैसे शाम के जो है 7 बजने वाले हैं, बज गए होंगे 7:15 हो गए, तो आग भी सेकते रहेंगे साथ ही साथ रोटी भी बना देंगे। और यहाँ पे हमारी सब्जी जो है वो बन गई है, जो कि है क्या बोलते हैं आलू फ्राइज़बीन, और साग बना है सरसों का साग उसके साथ मक्की की रोटी, क्योंकि यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो मक्की की रोटी नहीं खा रहे हैं। खाते हैं जैसे ये शख्स है, खाते हैं, ऐसा है कि नहीं। हम सूखी सब्जी के साथ नहीं खाते हैं, गीली सब्जी से कड़ी के साथ खाते हैं, सिर्फ और कड़ी और माँ की दाल और कोई होता और किसी चीज के साथ नहीं खाते। अच्छा ठीक ठीक आलू लगी है गर्मी तुझे पाओ की साग पर मेरे को साग ही दो मेरे को तो हाय। तो चलिए जी अब हम खाएंगे खाना, तो बाकी लोगों के लिए बनी है ये आलू फ्राइज़बीन और मटर भी इसमें मिक्स है। तो ये मटर थोड़ी सी दो चार फलियां, तो इसलिए मटर भी इसी में छील दिए दाने। तो ये उर्वी की प्लेट है छोटी सी, जो उसकी छोटी बुआ ने उसे दी थी। तो अब उर्वी खाना खाएगी, नीरज और आदित इनके लिए बनी है ये सब्ज़ी, और मैं और मम्मी खाएँगे साग। मक्की की रोटी मैंने बनाई है, साग जो है मम्मी ने पहले से बना के रखा था, तो इसलिए साग जो है वो फ़िलहाल मतलब अभी ताज़ा ताज़ा तो नहीं बना है, एक दो दिन पहले का है। लेकिन कहा जाता है ना साग तो जितना बासी हो साग और कड़ी तो उतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ये रहा साग जिसका तड़का हमने ऐसे ही इस पर कर लिया था तवे पर, तो वैसे तो ये तड़का हुआ है पहले से, इसमें तड़का लगा है, लेकिन जब भी खाना होता है तो फिर दोबारा जो है थोड़ा सा तड़क देते हैं प्याज वगैरह डाल के और थोड़ा सा साबुत धनिया डाल के। तो ये रही उर्वी की प्लेट, और उर्वी के लिए मैंने बनाई है छोटी सी मक्की की रोटी। तो ये छोटी सी मक्की की रोटी उर्वी के लिए, और उर्वी मक्की की रोटी बहुत शौक़ से खाती है और मुझे खुद को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मंत्र बोलो पहले, किसको देखना है यहाँ पे तलवार वो टूट गया ना। अब यार तीर कमान ठीक है, तलवार बाद में लाते हैं, पर तीर कमान से तो ठीक है। ठीक है तीर कमान से थोड़ा कर ले, बाद में तलवार। तो बेटा नहा भी लो अब आदित, इसको आप धर्मशाला भी ले जा सकते हो अगर आप तलवार लाते हो। ठीक है धर्मशाला भी, क्या तलवार भी चाहिए भाई? अच्छा ये बनवाइए तलवार। हे भगवान कहाँ गए थे तुम, पीछे उधर इधर देखना उतरने के लिए, धीरे धीरे टांग खिसकाई जा रही है। देखो तो सही उतरने की तैयारी, हाँ नहीं बनी बात। गुड मॉर्निंग, तो अभी अच्छी खासी धूप लग रही है जो कि आप मेरे चेहरे पे देख सकते हो, सामने से धूप पड़ रही है। नाश्ता कर लो हूं भाई, तो अभी बस ब्रेकफास्ट करेंगे और निकलेंगे धर्मशाला के लिए थोड़ी देर में।
पर ये नहीं यहाँ पे हो रही है। तो मम्मी ब्रेकफास्ट बना रहे हैं हम लोग, पहले मैं और मम्मी दोनों अंदर गप्पे लड़ा रहे थे, अभी बाहर आ गए। बेड यहाँ पे खाली है क्योंकि अम्मा यहाँ पे नहीं है, अम्मा घुमाने वाली जो चाची है उनके पास है, मतलब चाची नंबर थ्री, नंबर तीन वाले चाचा के पास। तीन पार्टियां जो है नहा चुकी है, पार्टी नंबर वन, पार्टी नंबर टू एंड पार्टी नंबर थ्री। पार्टी नंबर फोर सबसे पहले नहा चुकी है, पार्टी नंबर थ्री पार्टी नंबर टू और पार्टी नंबर वन वो सबसे पहले नहा चुके हैं, जो वहाँ पे साग चुग रहे हैं हमारे लिए। हाँ जी, गाँव का साग ऐसा होता है ना, मतलब अपने खेतों में कि वो ऐसा लगता है कि साफ ही है, ना भी धोया जाए तो ऊपर से चुगा जाता है। हाँ सच में यार, शहरों में तो बड़ा गंदा मिट्टी वाला साग देते हैं। वैसे हुई नहीं अभी ये परांठे लायक, हुई नहीं है एडी हुई परांठे ब्रीक ब्रीक। अच्छा अच्छा दीदी जी, हाँ टैंकी भरत रही थी, है टैंकी भरत रही थी। ये देखो मम्मी ने, दिखाओ दो ही दीजिए सब फिर जाए नहीं चीज। नहीं नहीं धो, मैं वहां जाके दूंगी, फिर गिल्ला गिल्ला वो लीच पीचा नहीं हो जाएगा। मुझे रोटी खानी तो थोड़ा धनिया भी डाल देना इसमें, डाल दिया धनिया भी डाल दिया इसमें, सब करते हैं मिक्स दे। आज के लिए फारा हुआ है, थोड़ा भी बहुत हुआ इसे दो ही देंगे तो तुम्हारी रोटी खाने का भी नहीं चाहिए। चलो जी, कई लोग मैंने सुना है इसके भी बनाते हैं ये मटर के पत्तों का साग। साग किसका बन जाता है? इस पेड़ के पत्तों का साग भी बन जाता है। क्या भी उड़ के? हाँ। भैंसों के लिए नहीं? हाँ। पहले खाते थे पहले के जमाने में हैं, जब सब्जियां नहीं होती, ये जब इसकी बरसात में पत्तियां आती है ना ऊपर कोपले आती है, हाँ। ब्रूनी बनती है उसकी, बहुत स्वाद है। इसके पत्तों की बनती है, दागले के पत्तों की। दागले की तो सब्जी भी बनती है ना, मुझे पता है। पत्तों की, पत्तों की। अच्छा, पत्तों का नहीं मुझे पता। दागला मतलब ये फिग, फिग बोलते हैं ना दागले को। ये पता नहीं भाई, अंग्रेजी में हम पढ़े नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। सरकारी स्कूल में हम पढ़े, तुम नहीं पढ़े हो सरकारी स्कूल में, ठीक है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सीनियर गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल लालपानी शिमला छ। हमारा स्कूल कौन सा शिमला उसमें आता था, पार्ट टाइप कौन सा था वो तो मुझे पता नहीं, पर गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोर्टमोर शिमला, एक दो तीन चार पाँच छह नहीं वो नहीं मेरे को पता याद नहीं है। जैसे दिल्ली छह होता है शिमला छह। तू कहाँ पड़ेगा बाबा? तू शिमला में होती तो तेरे को हमने कहाँ डालना था, जैसे तेरे नखरे हमने कहाँ डालना था इसको? तारोल, तारोल की लड़कियाँ नहीं करती नखरे। हाँ तारोल की लड़कियाँ नहीं करती नखरे। जो दूसरी थी वो रेड रेड सी ड्रेस होती उनकी, रेड ड्रेस, चैप्सली नहीं, चैप्सली की तो यार वो थी, चैप्सली है कि चेल्सी है? चेल्सी, चेल्सी, चेल्सी। पिछले वहां से जाना था बाद में कॉलेज, मैं तो बीएड, मैं तो बीट्स में जाऊंगी, सेम बीट्स में जाऊंगी पापा, मेरी सारी फ्रेंड्स वहीं जा रही हैं। बेटा पैसे बहुत लगते हैं। हम भी चलाते थे बचपन में। यस अच्छा खुद चलाओ आप, मैं चलाऊं? हां मेरे को नहीं पता कैसे लगता है। तू नहीं जा पाएगा बेटा, तू 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 मेरी पूरी वाली है, मेरे से नहीं लगेगा सच में। ये रहा साग जिसको यहां पे सूखने के लिए रख दिया है मंजे पे, अब हम इसको घर पे जाके सिर्फ बनाएंगे। तो जी हम हो गए हैं रेडी, देख सकते हो आप यहाँ पे इसके पास जाने के लिए। आदमी के बुढ़े होने का एक निशानी और भी है, हाँ। जो आजकल लोगों को पता लग गई होगी, क्या जब आपके मास्क में आपके नाक के बाल दिखने लग जाए ना आपको, हाँ। छोटे छोटे, हाँ। आप सोचो कि बाल कहाँ से आया होगा, तो ये आंसर ये है कि आपके नाक से निकला। दिखाना मेरा सूट,
चली रही है। तो दोस्तों जाने दे तू खाना बस आ चुकिया तू हाँ तो दौड़ के पैदल भी आना जाने दे मम्मा जाने दे ऐसी क्या है बेटी ऐसे दौड़ पैदल की है ऐसी रखने के लिए ना भी ले बेटू लो चलो यार इसने सोना भी है लो अपने पैसे तो मैं सुसु तो कर रहा हूँ मुझे बहुत अर्जेंट सुसु आया तब तक सामान समून लेके पहुंचो आप ऊपर सामान समून लेके तो कुछ और बोलो बाय कर दो मम्मी गाइस को बोलो बाय गाइस बोलो बाय बाय गाइस गाइस गाइड नहीं गाइस बोलो दोस्तों बाय अच्छा बोल दो बच्चों बाय पैकिंग वैकिंग हमारी सब हो चुकी है और बस अब निकलेंगे घर के लिए अरु टाटा कर दो टाटा मैंने नहीं लिए ये दीदी ने दिया मेरे को तो ये रहा हमारा मेन गांव भद्रौन तो अभी हम निकल गए हैं यहाँ से वापस यहाँ से गांव शुरू होता है मेरा घर से थोड़ा सा आगे है लेकिन मेन गांव पहले हमारा यही होता था ना मतलब जो दादा थे हमारे हैं मेन हमारा यही है आगे बस गया हाँ मेन गांव यही है लेकिन घर जो है आगे ज़मीनें आगे थी तो घर हमने आगे बनाया बाकी आप देख सकते हो यहाँ से ये है गाँव बहुत बड़ा गाँव है यहाँ सड़क से तो छोटा सा नज़र आ रहा है पर है बहुत बड़ा गाँव ये देखो हाँ फिर भी उठाया है सिर पे ये वाला साइकिल अच्छा लगता है इससे पता क्या होता है थोड़ा रेस्ट मिल जाता है सिर को मम्मी तो ऐसे सिर पे ऐसे रखती है बैलेंस बना के स्वेटर बुनती चल पड़ती है बैलेंस बना के मम्मी वगैरह भी करते हैं यहाँ से बैग लाना बड़ा मुश्किल है यहाँ बराबर बराबर ही छोड़ी गई सड़क के बाद में बनी है कि सड़क के बाद में बनी है पहले तो पैदल रास्ता था इनकी गलती नहीं है ये छोड़ी है बेचारों ने अपनी अपनी जमीन सब ने पर ये सुविधा तो बन गई ना कम से कम सबके लिए घर से निकले हुए अभी 5 मिनट नहीं हुए और उर्वी सो चुकी है क्योंकि इसको इतनी नींद आ रही थी ना ये नहाने के बाद सोती ही सोती है बट फिर आज ये नहाने के बाद इसको एडवेंचर ज़्यादा नज़र आ रहे थे वहाँ पे घर पे तो ये सोई नहीं थी बिल्कुल भी और नीरज जी जो डंडियाँ से तोड़ रहे हैं ना इसके आदू के लिए तीर बनाने के लिए कमान तो ही बना के लाए तीर बनाने के लिए ले आए कितनी गर्मी ली 5-6 हैं 5-6 डंडियाँ तोड़ दी
एकदम ही चल पड़ी गाड़ी।